मधुर वाणी का प्रयोग करके आप इस दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमेशा मीठा और अच्छा बोलें। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं, बुध का नक्षत्र कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बुध के नक्षत्रों के बारे में, बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं और पंडित जी इनकी क्या क्या विशेषताएं। आज हम बात कर रहे हैं बुध के नक्षत्रों के बारे में। बुध के नक्षत्रों की खास बातें क्या हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। पहले नक्षत्र कौन से हैं ये जानते हैं। देखिए, अगर आप बुध के स्वभाव को समझना चाहें, बुध की स्थिति को समझना चाहें, तो आपको बुध के नक्षत्रों को समझना होगा। हर नक्षत्र के अनुसार बुध के अलग अलग गुण होते हैं। वैसे बुध के तीन नक्षत्र हैं और तीनों में बुध के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। बुध के कुल तीन नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो या रेवती नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में उसके मूल नक्षत्र की शांति करानी पड़ती है। यानी ये जो तीन नक्षत्र हैं, ये सामान्य नक्षत्र नहीं हैं। इनके अंदर विशेष गुण होते हैं जो जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जिन लोगों का ये नक्षत्र होता है उनका जीवन थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। बुध का पहला नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। पंडित जी, ये अश्लेषा नक्षत्र की क्या विशेषताएं हैं, कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। बात कर लेते हैं बुध के पहले नक्षत्र की। बुध का पहला नक्षत्र है अश्लेषा। क्या खास बात है, अश्लेषा नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंदर आता है। यानी अगर किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है तो उसकी राशि होगी कर्क। इस नक्षत्र का प्रतीक है कुंडली मारा हुआ सर्प, सांप इस नक्षत्र का प्रतीक है। और ये नक्षत्र कुंडलिनी शक्ति, सर्पेंटाइन पावर, इससे संबंध रखता है। इस नक्षत्र वाले लोगों के पास भेदक नेत्र होते हैं। आपकी तरफ अश्लेषा वाले देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके अंदर उनकी आंखें घुस गई हैं। भेदक नेत्र होते हैं। इनके अंदर दूसरों को सम्मोहित करने की, दूसरों को जबरदस्त प्रभावित करने की क्षमता पाई जाती है। ये लोग अश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत जल्दी दिखावे में और काम भाव में लिप्त हो सकते हैं। इनका जो मेंटल लेवल होता है, इनका जो मानसिक स्तर होता है, वो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और अश्लेषा नक्षत्र वाले अगर अपने जीवन पर ध्यान न दें तो कभी कभी अवसाद यानी डिप्रेशन और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। बुध का दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। पंडित जी, ज्येष्ठा नक्षत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खास बातें हैं, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जी, अब बात करते हैं बुध के दूसरे नक्षत्र की,
जिसका नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, यानी अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो उसकी राशि वृश्चिक होगी। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा होना या प्रमुख होना, चीफ होना। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ चंद्रमा की सबसे बड़ी पत्नी, चंद्रमा की सबसे बड़ी रानी से भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र को बहुत मंगलकारी या बहुत शुभ नक्षत्र नहीं मानते। ये बड़े तेज स्वभाव का, बड़े शार्प नेचर का नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े पराक्रमी होते हैं। साहसी तो इतने होते हैं कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो ज्येष्ठा वाले करके दिखा सकते हैं। ये लोग नवीन शोध, नया रिसर्च, नई चीजें बनाना, नई चीजों की शुरुआत करना, इसके प्रणेता होते हैं। इनके अंदर कभी कभी दुष्ट भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं। ज्येष्ठा के अंदर निगेटिविटी जरूर होती है। अगर दिमाग खराब हुआ इनका, या इनको नकारात्मक पक्ष इनके जीवन में आया, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना और दूसरों के प्रति मन में दुर्भावना तुरंत आ जाती है। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशन इनकी बहुत हाई होती है। मैं जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचूं, जीवन में मेरा नाम चारों तरफ फैले, ये महत्वाकांक्षा बहुत होती है। ये लोग बड़े अच्छे दार्शनिक, बड़े अच्छे जासूस, बड़े अच्छे सैनिक हो सकते हैं। ऐसी जगहों पर ज्येष्ठा नक्षत्र वाले आपको सबसे आगे दिखाई देंगे, जहां काम कोई ना कर पा रहा हो वहां आगे बढ़कर के जो आदमी काम कर देगा उसका नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। बुध का तीसरा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पंडित जी, रेवती नक्षत्र की क्या खास बातें हैं, ये हमारे जीवन पर क्या असर डालता है? बुध के तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं। बुध का तीसरा नक्षत्र है रेवती। इसका इम्पैक्ट और इसका प्रभाव कैसा होता है? रेवती नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि के अंदर आता है, यानी अगर किसी का जन्म रेवती नक्षत्र में हो तो उसकी राशि मीन होगी। रेवती का अर्थ होता है समृद्ध, प्रॉस्पेरस। इस नक्षत्र का प्रतीक होता है मृदंग। मृदंग एक ढोलक की तरह का वाद्य यंत्र होता है, हम सब जानते हैं। मृदंग इस नक्षत्र का प्रतीक है। रेवती नक्षत्र मोक्ष से, अंत से और शुरुआत से संबंध रखता है। इस नक्षत्र में ज्ञान, संगीत और कला का वरदान होता है। रेवती नक्षत्र का प्रतीक ही है मृदंग, जो संगीत का प्रतीक है। इसलिए रेवती नक्षत्र में ज्ञान, संगीत और कला जरूर होती है। इस नक्षत्र के लोग, रेवती वाले, दुनिया के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन रेवती वाले कभी कभी बड़े क्रोधी और बड़े जिद्दी हो जाते हैं। क्रोध इनको बहुत आता है
और जिद इनको बहुत होती है, ऐसा रेवती के साथ देखा गया है। अक्सर बचपन में बीमारी और संघर्ष का सामना इनको करना पड़ता है। रेवती वालों का बचपन आम तौर पर संघर्ष में बीतता है और बड़ी मुश्किलों के बाद इनकी जिंदगी रास्ते पर आ पाती है। रेवती नक्षत्र के लोग बड़े अच्छे विचारक, थिंकर, लेखक, समाज सेवी या धर्मज्ञ होते हैं और अगर कॉम्बिनेशन बने और रेवती नक्षत्र का व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो ऐसा डॉक्टर चिकित्सा के लिए और समाज के लिए अवतार है, वरदान है। रेवती वाले अगर थोड़ा भी बेहतर रहें तो ये दुनिया के लिए बहुत करते हैं और अपना नुकसान सह कर भी दूसरों को लाभ पहुंचा देते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत ना करें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुधवार के दिन नौकरी शुरू करना अच्छा नहीं होता? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है और ऐसा माना जाता है कि बुधवार का स्वभाव ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी कामों में और चीज़ों में बदलाव करता है। इसीलिए अगर आप बुधवार के दिन नौकरी शुरू करेंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आपके नौकरी बदलने की संभावना बन जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत ना करें, वरना बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।